तो कैसे हो आप सभी लोग। अभी हम लाइव आए हैं। ओके, तो ये लाइव हम आपको मीडियाटेक के सेट में डायग्नोस दिखाने आए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं अपनी वॉइस चेक कर लूँ पहले, मुझे 2 मिनट देना। तो कैसे हो आप सभी लोग। ओके, सो मेरी वॉइस ओके है। अब ये जो फ़ोन है, ये मीडियाटेक का फ़ोन है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर हम कैसे चेक करें कि हमारे कौन कौन से वोल्टेज बनने चाहिए फ़िलहाल। और इस वीडियो में मैं जितना हो सकता है एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत बेस्ट ट्रिक है। तो मुझे बस 2 मिनट दीजिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है 2 मिनट रुक जाओ, मैं यूट्यूब पर भी लाइव आ जाऊँ साथ में। चलो YouTube पे अपन वीडियो डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये MTK का सेट है। ओके, अभी हम लाइव आए हैं। ओके, तो ये MTK का सेट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अभी क्या है, CPU लगाओ, MMC लगाओ, सेट लो बूटिंग पे रहता है, ठीक है। ये इसका MMC है, इसका CPU भी डिवॉल्व करके रख लिया है। तो ये भेजा है किसी ने, वीवो Y83। तो अपन को इसमें ना प्रॉब्लम डायग्नोस करनी है। तो अभी तक जो CPU लगा रहे थे, वो CPU लगाने से ये लो बूटिंग हो रहा था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग, क्योंकि 98% अभी के टेक्नीशियन सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि सेट डेड है, IC रिबॉल करो, निकालो, लगाओ। अभी नहीं हुआ तो भाई अब क्या करें। वो ये नहीं सोचते कि ये जो पैड लाइन होती है ना, इसका भी कोई गेम होता है, खेल होता है। और ये भी नहीं सोचते कि CPU और जो MMC या UFS होता है वो डेड भी हो सकता है आपका। और मीडिया टेक के अंदर, कॉलकम के अंदर अभी लो टेम्परेचर के आ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा डेड होते हैं। तो ये कभी नहीं सोचते, सीधे आपने ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो हमारा सही होगा ही होगा, बस रिवॉल्व करके लगा दो। अभी क्या है, कौन सा रजिस्टर निकल गया, कौन सी लाइन ओपन हो गई, तो ये दिमाग में रहता है। पर ये नहीं सोचते कि हमारा CPU और हमारा जो पावर है, हमारा CPU हमारा MMC डेड होता है, क्योंकि ये उनके पास रिप्लेसमेंट होता नहीं है। वो पावर ड्रॉ रिप्लेस कर लेते हैं, समझना। तो ये पूरी तरीके से डाटा, अभी मैंने इसमें पावर बदल के इसका वोल्टेज तो बनाया है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं अभी CPU और इसका क्या MMC लगाऊँ और वही लगाऊँ तो क्या ये ऑन होगा? बिल्कुल नहीं ऑन होगा। मैं आपको सिर्फ ये फैक्ट बताने के लिए लाइव आया हूँ। और हो सकता है कि इस वीडियो में आपको इतना नॉलेज मिले जितना आप एक फ़ोन का CPU रिवॉल्व होकर लगकर उसका लोगो में देख लोगे चालू होकर, उतना आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर मैं इसका CPU और MMC लगा दूँ और ये चालू हो जाए, तो आपको कोई 1 रुपये का नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 रुपये का नॉलेज नहीं मिलेगा। ये आज के डेट में हर कोई तीसरा आदमी कर रहा है। नॉलेज आपको चाहिए फैट, कहते हैं ना कि सर सेट भले ना बने, बट ये डायग्नोस पता चल जाए कि क्यों नहीं बना, एक रीज़न क्यों नहीं बना, क्या रीज़न था कि वो सेट नहीं बना। तो रीज़न मैं आज आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो जनरली CPU और MMC या UFS हो, ये BJ221 है तो हम MMC कहेंगे, MMCP होता है, ये पैकेज है, ये मैं रैम, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका रैम है, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला, ये इसका MMC है, मतलब स्टोरेज है इसका, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोस नहीं कर पाते हैं लोग, और डायग्नोस नहीं हो पाता है, यही रीज़न है, ठीक है। डायग्नोस नहीं होता हो पाता है, यही रीज़न है कि भाई लोग सेट को बना नहीं पा रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी फिलहाल मैं आपको इसमें ना ये डायग्नोस का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये है ना वीवो का Y83 है, आप पहले तो ये समझो ना, कोई इसका स्कीमेटिक है ना इसका कोई, अच्छा बेटा बोर्नियो में भी कोई हार्डवेयर सोल्यूशन है, बट डेड हार्डवेयर सोल्यूशन अभी भी ये नहीं बता रहे कि इसमें कौन सा बक कॉइल क्या काम कर रहा है, किस बक कॉइल पे क्या वोल्टेज आने चाहिए,
अभी क्रिस्टल के चीज़ें कहाँ चेक करनी है, तो सारी चीज़ें ना यहाँ पर कभी पता नहीं चलती हैं अभी। और ये अच्छा, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड खाली मुझे भेजा है किसी ने, मुझे सिर्फ मोबाइल नहीं भेजा है। कह रहा है कैसा सीपीयू एमएमसी लगा लगा के परेशान है। अब क्या है ना, वो सीपीयू ना वो सीपीयू पे काम करता है ना वो एमएमसी, मतलब सीपीयू बेस्ड टेक्नीशियन नहीं है, सिर्फ लगा लेता है पर उसको फॉल्ट नहीं पता है। एमएमसी में यूएफआई का काम नहीं आता है, तो ये रीज़न है भाई। 98% आप सेट नहीं बना पाओगे अगर आप सिर्फ रिबॉलिंग का काम कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जिंदगी भर छोटे टेक्नीशियन बन के रहोगे, आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक देखो एक कैपेसिटर लगा था, तो ये सारी चीज़ ना ये प्रॉपर तरीके से सीखनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं आती है। खैर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी देखो इस फ़ोन को चेक करने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, फ़ोन को हमें पावर को ऑन करना पड़ेगा। अब खाली बैटरी लगा के पावर तो ऑन होगा नहीं। बैटरी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बग बन जाएगा? नहीं बनेगा, बग बनेगा स्विचिंग से, और स्विचिंग करवाने के लिए हमें चार्जर लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास का तो सब प्लेट ही नहीं है, तो ऐसे फ़ोन भी आपके पास आएंगे जहाँ पे सब आपका जो सब पीसीबी है वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ है वो आपकी गायब है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी ठीक है। ये मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा आई गेस, इसको अभी हम चेक करेंगे, ये देखो ठीक है। तो क्या है, हम क्या करते हैं, हमने जनरली एक केबल ले ली है, ये देखो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये केबल देख रहे हो आप, इस केबल को हमने काट लिया है और इसका सिर्फ प्लस माइनस निकाला है, एक चार्जिंग केबल के जैसे। चार्जिंग जैसे यूएसबी केबल नहीं है, ये चार्जिंग केबल है ठीक है। ये देखो ये दिखाई दे रहा है प्लस माइनस, वैसे हमने इसका प्लस माइनस काट लिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, चार्जर मतलब हम इसको वीबस देते हैं, क्योंकि वीबस देने के बाद ये स्विचिंग करेगा और तब हमें पता चलेगा कि क्या हमारा पावर क्या काम कर रहा है, क्यों वाकई में सीपीयू वही वाला सीपीयू लगाएंगे तो क्या सेट हमारा ऑन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं ऑन हो रहा है, रीजन क्या है। देखो हमारे पास वही सीपीयू है जो कस्टमर ने भेजा है और वो एमएमसी है, तो सीपीयू और ये बार बार लगाने पर भी अगर हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा रीजन मैं आपको देना चाहूंगा। देखो सबसे पहले मैं, ये बीबस का पॉइंट है, ये आपको ट्रेस करते आना चाहिए, बहुत इजी है, कोई भी स्कीमेटिक या कोई भी डायग्राम की जरूरत कभी नहीं पड़ती इसको ट्रेस करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने प्लस और माइनस में लगाया है यहां पर, ओके भैया, जितने हो सकता है लाइव को शेयर कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ मैं और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जितना आप शेयर करोगे, जैसे देखो मैं आपको फ्री से दे रहा हूँ ना, दिल से, मेरा क्या आ रहा है आपसे, कोई आपसे ना कोई पैसा बन रहा है ना कोई है ना कोई अच्छा कमेंट, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ। वैसे ही आप भी बड़ा दिल रखो और लाइव को शेयर करो ताकि आपके थ्रू और भाइयों को ये नॉलेज मिले। जब फ्री मिल रहा है तो प्रॉपर तरीके से आप प्लीज़ इसको शेयर करो और शेयर करके अपने अकाउंट में पहुंचाओ ताकि वहां पर दूसरे लोग इसको देख पाए। भाई इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी मैं बहुत कोर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अब आपको करना क्या है, मैं अब आपने प्लस माइनस लगा लिया है, पहले मैं देखता हूँ, ओके मुझे बस 1 मिनट दो। ठीक है जी, जब तक मेरा स्कीमेटिक ऑन होता है तब तक मैं करता हूँ। स्कीमेटिक मतलब मेरे पास तो यार स्कीमेटिक है ही नहीं ना, फिर मैं क्या ऑन ऑन कर रहा हूँ, चलो बताऊँगा। अब देखो, अब हमने सबसे पहले क्या लगा लिया है, बीबस। सो अब हमने मतलब इस फ़ोन को एक तरह से एक्टिव कर दिया है। आपका फ़ोन कितने तरीके से एक्टिव होता है, आपका फ़ोन दो तरीके से एक्टिव होता है, समझ रहे हो आप मेरे, जब आप पावर का ट्रिगर दबाते हो और जब आप बीबस मतलब यूएसबी चार्जर लगाते हो, तो ये ट्रिगर तब भी होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि आपने चार्जर लगाया तो आपके डिस्प्ले पे भी, आपके डेड फोन पे भी आप चार्जर लगाते हो बैटरी के साथ, तो कोई ना कोई लोगो तो शो होता है ना। अभी लोगो शो हुआ मतलब ग्राफिक्स आ रहा है, ग्राफिक्स शो हो रहा है मतलब एमसीयू और आपका सीपीयू पूरा उठ रहा है ठीक है। तो ये तार सीधा कर देते हैं, बहुत उलझा हुआ तार है ठीक है भाई। तो चलो हो गया,
अब सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे, क्या हमें बराबर यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके, नोटिस कीजिएगा, देखो 5 वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बी बस हमने सही तरीके से दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद में सबसे पहले ना इसकी चार्जिंग आईसी पर जाएंगे और चार्जिंग आईसी पे देखेंगे क्या हमारी चार्जिंग आईसी स्विचिंग कर रही है, क्या हमारी चार्जिंग आईसी ऑन हो रहा है, क्या हमारी चार्जिंग आईसी किसी भी तरह का जो बूट सुकैन से चार्जिंग से वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक BQ लगी है 25890। ठीक है, तो ये BQ आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ पर एज अ मेन चार्जिंग आईसी है इस फ़ोन की। ये वीवो का एक हैंडसेट है, वीवो Y83, मीडियाटेक का CPU लगा हुआ है। सो इस BQ के में अगर हमने ये पहले नंबर पे देख रहे हो नोज कट पॉइंट, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको देखो 5 वोल्टेज, यहाँ पे एक कॉयल लगा हुआ है, ये ब्लैक कॉयल है, यहाँ पर एक कॉयल लगा हुआ है, नॉर्मल कॉयल मैं इसको बोलता हूँ, ब्लैक मेरी क्लास की लैंग्वेज है, तो ब्लैक कॉयल इसलिए क्योंकि मैं अलग लेवल पर पढ़ाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अलग है पढ़ाने का। तो ये जो कॉयल है ये जनरली सैमसंग के फ़ोनों में आते हैं, एंड्रॉयड के फ़ोनों में ऐसे आपको USB की लाइन पर आपको कॉइल देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है ना, ये OVP IC है, इसको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी कहते हैं। ठीक है, ये आईसी अगर टूट जाएगी तो आपका ये 5 वोल्टेज नहीं बनेगा और यहाँ तक नहीं आएगा, और ये आईसी अगर लीकेज हो गई तो ये आपके 5 वोल्टेज को 2.5 कर देगी, आपको ये आईसी उठाना ही पड़ेगा। सो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ इस लाइव को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो, जितना भी शेयर करोगे जितना आप करोगे आपको और मिलेगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ, ऑब्वियस है आपको भी, आप अगर इस शेयर को दूसरे तक पहुँचाओगे तो आपको भी मिलेगा। हम सबसे पहले हम देखेंगे BQ के अंदर, सबसे पहले हमें देखना होता है उसके 90 और 19 और 20 नंबर की लाइन, 19 यहाँ से गिनेंगे तो ये 19 और 20 यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर देखो एक 1 माइक्रो हेनरी का आपका कॉयल लगा हुआ है। ये 1 माइक्रो हेनरी का जो कॉयल है ये चार्जिंग का व स्विचिंग कॉयल है, हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हमको वोल्टेज बनने चाहिए 3.6 से 4.4 मैक्सिमम तक। सो आप देखो तो यहाँ पर वोल्टेज आपको मिल रहे हैं 4.2, 4.1, 4.1, 4.2, अच्छा जो 4 है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, वो विच इज़ गुड, वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये लीकेज माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 4 आपके जो मिली वोल्टेज हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अब ये नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि बैटरी लगी नहीं है अभी। अब हम इसको एक बार यहाँ पर क्योंकि DSO से भी देखेंगे, नोटिस करो, तो मैं आपको DSO सामने रखता हूँ उसके। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, मेरा केबल बंद हो गया होगा आई गेस। ओके, बहुत छोटा वायर लगा है भाई, चलो कोई ऐसे यूज कर लेते हैं। देखो अब मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो मेरी जो कैमरा है बेसिकली वो ही रुक गया है, मुझे 2 मिनट दे जरा। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझिएगा। ठीक है, कैमरा मेरा आ जाएगा, एक सेकेंड दीजिए, ये मेरा कैमरा आ गया। अब आप देखिएगा ये आपके DSO आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, तो आप देखिए अब आपको DSO पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम स्विचिंग को देखेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आप देखो तो ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर देखें तो ये अभी मेरा स्टॉप है, हम इसको हटा देते हैं, ये हमारा ऑन हो गया। तो पहले तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नॉर्मल रखेंगे, ऑटो पे रखेंगे, अभी हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है,
हम इसको चाहें तो कम कर सकते हैं, जो ये माइक्रो सेकेंड है इसकी हम इस टाइमिंग को कम कर सकते हैं और वोल्टेज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है। अब हमें करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अब हमें इस कॉइल पर एक सिरे पे रखना है, माइनस को तो माइनस पर रख लेंगे, एक सिरे पर। देखो एक सिरे पे तो स्विचिंग नहीं होनी है, क्यों? क्योंकि वो तो आउटपुट है, बीपीएच के साथ जुड़ा हुआ है, एक पे होगी। सो आप देखो यहाँ पर जैसी मैंने रखा, मेरी जो ये लाइन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ और टेक्निकली आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, बस को समझने की देर है। आप देखो ये जो है ये डिवीज़न वाइज, क्योंकि यहाँ पर आप, क्योंकि मेरा 500 मिली वोल्ट है, मैं चाहूँ तो इसको मैं सेट कर सकता हूँ वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है? वोल्टेज मुझे यहाँ से सेट करना होगा। तो अब देखो अभी मैंने क्या किया है, दो वोल्टेज पे इसको रखा हुआ है, तो अब ये थोड़ा सा दो और दो चार, मतलब दो खंड आगे ऊपर की ओर आएगा लाइन, नोटिस करो, क्योंकि इसमें पाँच, क्योंकि इसमें 4 वोल्टेज है तो दो ही आएगा मे बी। ये देखो अब ये लाइन है, इस लाइन में आपको देखो प्योर लाइन दिखाई दे रही है, मतलब सीधी लाइन है इसका, ये प्योर डीसी है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन या कोई भी पल्स या कोई भी रिपल्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, बराबर। अब अगर इसकी दूसरी ओर की बात करेंगे तो हमें स्विचिंग देखने को मिलेगा, ये देखो। तो ये जो है ये आपकी आईसी की स्विचिंग है, ये देखो ये जो है ये आपकी आईसी की स्विचिंग है, ये आपको बता रहा है कि आपका जो बीक्यू है वो ऑन हो रहा है, ठीक है? चार्जिंग लगाकर, इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो तो ओके है, मतलब ये डेड सेट में मुझे किसी भी हालत में चार्जिंग आईसी नहीं चेंज करना है, भले ही उसकी कोई और पैड लाइन ओपन हो, बट आईसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिवाइस मॉडल नंबर आलिफ अहमद, आलिफ अहमद वीवो का है, वीवो का है भाई, वीवो Y83। ये देख लो डिवाइस मॉडल नंबर वीवो का है, वीवो का Y83, ठीक है? इसका स्कीमेटिक नहीं होते, अभी कैसा है ना, 90% यूट्यूब में एक ही चीज़ चलती है, स्कीमेटिक वाले डायग्राम ले लो और बैठ जाओ और उसको बनाओ, समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि उसको बनाना आसान रहता है ना, बट विदाउट स्कीमेटिक वाले डायग्राम को बनाना उतना आसान नहीं रहता है। सो अभी आप देखो तो मैंने अपनी चार्जिंग एसी को यहाँ पर बताया कि ये मेरा स्विचिंग कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल ओके है, ठीक है? अब इसके बाद हमें डीएसओ से ही करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर बीपीएच पहुँच रहा है कि नहीं। मीडिया टेक के अंदर इसको हम SYS कहते हैं, सो बेसिकली इसका नाम SYS होता है। सैमसंग के अंदर इसको हम BBAT SYS कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखाऊंगा, फिर मैं आपको स्विचिंग दिखाऊंगा। तो वोल्टेज अगर मैं आपको दिखाऊं, नोटिस करो, देखिएगा, तो हमने हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, टोटल 1 2 3 4 5 5 कॉइल लगे हैं, और पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे। सो देखो, सॉरी ये डायोड मोड पे चला गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो 4.2, ठीक है? 4 वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, विच इज़ नॉर्मल, एंड जो भी मिली वोल्टेज है ना वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि ओके है, कोई सीन नहीं है इसका, ठीक है? अब इन पांचों कॉइल में, क्योंकि इसका तो डायग्राम है नहीं, अब मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन सा कॉइल क्या काम कर रहा है? यही चीज़ ने प्रॉपर वे में आपको सीखना होता है, क्योंकि आप YouTube में कुछ भी नॉलेज नहीं उठा सकते हो, आप जितना भी उठाओगे कन्फ्यूजन के साथ उठाओगे, और वो कन्फ्यूजन आपको कभी भी सही पैसा कमाने नहीं देगा, एक टेक्नीशियन से टेक्नीशियन ही बने रहने देगा, मतलब आप समझो मेरी बात। सो अभी मैं आपको बता दूँ, टोटल 5 कॉइल हैं, यहाँ पे देखो, देखते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखो 2 वोल्टेज मिल रहा है, पर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? अभी फ्लक्चुएट करेगा, रीज़न है इसका, मैं बताता हूँ, ठीक है? फ्लक्चुएट कर रहा है, जनरली मीडियाटेक में CPU निकालने पर फ्लक्चुएट नहीं करता है। अब देखो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, हम इस पर तर्क पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें जैसे PS होल्ड वाली जो लाइन होती है ना, वॉच डॉग, हमें उस पर भी काम करना होता है। मैं आपको यही समझाने के लिए आपको ये लाइव आया हूँ कि क्यों टेक्नीशियन इसमें CPU लगाने के बाद फिर ये बोलता है कि सर सारे वोल्टेज बन रहे हैं पर फ्लक्चुएट बन रहा है। देखो यहाँ पर आप देखो तो 0.8 फ्लक्चुएट जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखो तो ये भी 0.8, और यहाँ पर देखो तो ये भी 0.8,
मतलब इस कॉइल को छोड़ के बाकी सब में बन रहा है। तो आओ इसका मैं आपको सिक्वेंस बताता हूँ। ये जो कॉइल है ये VPA है। VPA मतलब ये वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर है। ये आपको नेटवर्क सेक्शन के PFO IC को बूस्ट करने के लिए वोल्टेज बनाता है, तब जब फोन ऑन हो जाए प्लस सिम लगे। दूसरा, इसके बाद जो कॉइल है ये V प्रोसेसर का है। ये आपके CPU के कोर के अंदर जाता है CPU को ऑन करने के लिए, ताकि CPU को एक एम्पियर मिल सके, अच्छा खासा लोड मिल सके। और उसके बाद कोर है वी कोर, ये भी आपके CPU को जाता है ताकि CPU को लोड मिल सके, ठीक है, 0.8 वोल्टेज और प्लस एक अच्छा एम्पियर। उसके बाद ये वाला जो है ये मॉडम का कॉइल है आपका, ठीक है। मॉडम मतलब जो आपका बेसबैंड होता है, जो आपकी IMEI होता है, वो मॉडम होता है, जिसमें आपका सिम आता है, सिम शो होता है, वो पूरा मॉडम होता है आपका। और ये वाला जो है ये भी CPU के अंदर जाएगा। और ये वाला जो है ये VS1 है, जो कि हाई LDO है 2.0। बट अभी अब देखो तो यहाँ पर आपको वोल्टेज सारे फ्लक्चुएट मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक VRTC होता है, वो भी हम देखेंगे, और वो देखते हैं कि फ्लक्चुएट है कि नहीं है। सो VRTC यहाँ कहीं मुझे देखने को मिलेगा। देखो कोई भी डायग्राम नहीं है, फिर भी हम इसको बना सकते हैं नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो भाई, तो मुझे यहाँ पे 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए किसी एक कैपेसिटर पे। पीछे भी मिल सकता है भाई, कहीं भी मिल सकता है। देखो इधर मेरे को 7.7 मिल रहा है, ये मेरे को 1.8 मिल रहा है। ये देखो स्क्रीन के सामने बार बार चीजें आएंगी तो कैसा चलेगा। ओह शेट, देखो ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा ना। अब मैं, यही होता है, रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाता हूँ। ये मेरा 1.1 है, ओके। यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। 1.8, 1.8, 4, 4, 2.8, ये देखो। तो ये 2.8 वोल्टेज मिल गया मेरे को। तो ये 2.8 मुझे बताता है, अच्छा 2.8 वोल्टेज पे एक बार ध्यान देना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि ये जो वोल्टेज है ना ये फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए भाई। ये देखो ये स्टेबल है। हाँ देखा, बोला था ना ये स्टेबल है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। 2.9 हो गया, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, देखो फिर से दिखाता हूँ। विच इज मतलब ये क्या हो सकता है, ये है कि पावर एक नंबर है भाई, पावर को कोई भी सीन नहीं है। अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कहाँ से कर रहा है, अब इसका CPU नहीं है, इसका MMC नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा उससे पहले मैं आपको बक कॉइलों की स्विचिंग भी दिखाता हूँ। हम DSO से भी बक कॉइल चेक कर सकते हैं किस तरीके से। देखिए आप DSO के साथ, ठीक है। तो जो कॉइल, जैसे ये सबसे पहले VS1 पे रखेंगे, देखो भाई ये दिखाई दे रहा है, ये हमारी बक कॉइल की। पर ये क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज कैसे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। यहां पर नहीं आएगा, यहां फिल्टर हो रहा है ना भाई, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर लगे हुए ना, ये IC के साथ है ना। VSW, सॉरी VSW मतलब वोल्टेज स्विचिंग। यहां पर देखो, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमें यहां रखने की जगह नहीं है तो हम इसके पीछे भी रख सकते हैं भाई, इसमें पीछे कैपेसिटर दिए होते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण ये क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है ये करके, बट हमारी पावर एक नंबर है, नो डाउट। पावर में कोई भी सीन नहीं हुआ है, ये देखो ये हमारा क्रिस्टल है, ये भी हमें मिल रहा है,
26 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये देखो, देख रहा है 26 26 मेगाहर्ट्ज़, ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमारी, ये हमारे को मिल रही है। ये हमें ये बता रहा है कि भैया हमारा पावर ओके है, ओके है पावर भाई मेरे, समझ रहे हो। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि इसमें सीपीयू जो कह रहा है, एक्चुअली वो मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। उसका सीपीयू डैमेज हो चुका है, तो सीपीयू लगाने के बाद वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अभी कैसे पता करें कि सीपीयू, क्योंकि सीपीयू लगाने के बाद वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना भाई, वो सीपीयू लगा रहा है वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आईसी के साथ ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझ रहे हो। हम इसके अंदर, ओहो, हम इसके अंदर ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इसकी एक ऐसी सप्लाई ढूंढेंगे जिस पर हम एक बाईपास 1.8 वोल्टेज जम्पर मारेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज स्टेबल होता है कि नहीं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जो भी आपको पूछना है कमेंट पे पूछ सकते हो यार। ये लाइव चल रहा है यूट्यूब में, ये लाइव नहीं होगा, यूट्यूब में मैं अपलोड करूंगा ये, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक पावर आईसी के सेम हम एक डायग्राम ओपन करेंगे, ठीक है। हम ओप्पो में ही जाते हैं क्योंकि कोई मतलब साउमी का, ओप्पो में जाते हैं और ओप्पो का A1K उठाते हैं क्योंकि उसमें सेम पावर लगी है। मिल गया, देखो भाई। अब हम इसकी पावर पे जाएंगे, अब इसमें सप्लाई ढूंढेंगे वॉच डॉग। तो देखो सब लोग इसको थ्योरिकल बताते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये जो वॉच डॉग है, यहाँ पे वॉच डॉग रिसेट बी, यहाँ पे आप देखो तो वॉच डॉग, इस वॉच डॉग का जो नंबर है वो T8 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बिटमैप ओपन करेंगे, हाँ तो बता रहा हूं महाराज उद्दीन, पहला बंद करके देख लेते हैं ना यार। तो इसका नोज कट पॉइंट पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये नोज कट पॉइंट है और टी मतलब इधर आएगा और एट, ये T8 है। तो अब अपन को करना क्या है, अपन को वीवो का
देखते हैं कि क्या सोर्सेस है, नहीं तो अपन को पावर आईसी उतार के अपन काम करेंगे, जिसको मैं रिवर्स ट्रेसिंग कहता हूँ, जो मैं क्लास के अंदर सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को। और आप देखते होंगे वो कहते होंगे ना वीडियो के अंदर, सर हमने रिवर्स ट्रेसिंग की, रिवर्स ट्रेसिंग की वीवो का Y83। सो आप देखो इसके अंदर स्कीमेटिक है ही नहीं, बिटमैप है खाली। बिटमैप में क्या ही बिटमैप है मतलब, बट इसमें बिटमैप में भी देखो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, सारा पैड खाली है। कैसे, ये देखो यहाँ पर 100 पैड इन्फो करेंगे ना तो खाली नेट नेट लिखा हुआ है हर पैड पे, मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है। सो हमें नोज कट पॉइंट से जाना है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये T8 है, ये हमारा वॉच डॉग का पैड है। सो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट भी है, ठीक है, हम इस पर भी जा सकते हैं, प्लस हम अपने CPU के साइड भी जा सकते हैं, यहाँ पर दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो हम CPU की साइड भी चले जाते हैं, पहले तो हम ये निकाल देते हैं। क्या, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, तो पहले तो हम ये निकाल देते हैं चार्जर, अब हम CPU की साइड जाएंगे। तो नोटिस करो, तो ये CPU की साइड में जो आ रहा है ये इधर, मतलब इस लाइन में ये पहला नंबर, और यहाँ से हमें एक 1.8 चाहिए जो कि हम B6 से निकालेंगे। B6 ये है, मतलब यहाँ पर कहीं से निकालेंगे, इस कॉम्पोनेंट से या इस कॉम्पोनेंट से, ये इसके पहले नंबर से, बराबर, ठीक है भाई। तो ये समझ गए हो गए आप, नहीं समझे तो भाई ऐसा नहीं समझ पाओगे ना भाई, प्रॉपर समझना पड़ेगा, ऐसा ये एक दिन का हलवा नहीं है, समझ रहे, ये एक दिन का हलवा नहीं है, इसको प्रॉपर समझना है। और यूट्यूब छोड़ दो, देखना यूट्यूब में वीडियो बनाना चालू करो, पर वो नॉलेज के साथ होगा ना भाई। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, हम यहाँ पे एक जंपर लेते हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कहीं शॉर्टिंग बोर्ड में तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ फ्लक्चुएशन ये आने लगाने के बाद भी रहा तो मतलब इसका मतलब CPU ओके हमारा, ठीक है, और वो CPU हम लगा लेंगे, वो टेंशन नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही मत लेना टेंशन, वो तो CPU हम लगा लेंगे, ये तो हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं इधर 1.8 इधर, ठीक है, तो हमने एक जंपर यहाँ पर लेते हैं पहले, ये ले लिया, और जो दूसरा जंपर है ये ले लिया। तो देखो हमने दो जंपर, मतलब हमने जो जंपर थे वो जंपर हमने लगा दिए, ये निकल गया मेरे भाई, ठीक है, जंपर ज़्यादा हिलाएंगे तो वो पैड टूट जाएगा, तो जंपर को हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, ठीक है। अब हम वापस चेक करते हैं, ये हमने क्या किया, हमने अपनी पावर को बेवकूफ़ बना दिया, सिंपल सी बात है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको याद है मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था वॉच डॉग का, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस अपने वोल्टेज देखेंगे, ठीक है, देखिए वोल्टेज पे आ गए, देखो ये सारे वोल्टेज तो स्टेबल ही थे, ये ऐसे ही आ रहा था 4 point something, ठीक, यहां पर आप देखोगे PS, ये VS1, ये देखो ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए, ये देखो 0.8 स्टेबल हो गया, उसके बाद जो मिली है उसको हमें नहीं देखना, 0.8 इज गुड, ठीक है। तो ये देखो
मतलब इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम सीपीयू में। तो भाई क्या नाम है आपका? महराज। महराज भाई ऐसा है प्यारे, सीपीयू प्रॉब्लम है, सीपीयू चेंज होगा। अभी टेक्नीशियन क्या होता है ना, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को है ना हाई वोल्टेज, मतलब जैसे हम जो यूज़ करते हैं ना आरन, आरन में क्या करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस में उसको घिस रहे हैं, 380 पे घिस रहे हैं। तो भाई सीपीयू तो डेड हो गई ना तुम्हारा, वहाँ सीपीयू खत्म हो चुका है, वो पीएस ओल्ड नहीं बना रहा, मतलब वॉच डॉग 1.8, क्योंकि वहाँ उसको बनाना है। ये रीज़न है कि इस फ़ोन के अंदर ये जो टेक्नीशियन भाई है ना, इसने अपना सीपीयू को लिटा दिया। अब कह रहा है सर मेरे से हो नहीं रहा, आप बना दो कोई जम्पर मार के। मतलब हाँ भाई बना देंगे, क्यों नहीं, ये देखो। तो भैया उसका सीपीयू चेंज होगा, डाटा वाटा गया उसका, गया सीपीयू चेंज होगा, और जब तक सीपीयू चेंज होने के बाद में फिर ये बनेगा, क्योंकि सीपीयू ही ये 1.8 वोल्टेज को क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। आई होप कि आपने समझा होगा ये बात। उसके बाद जाकर ये आपके सारे वोल्टेज बनते हैं, जैसे सुकेंस क्या कहता है, सुकेंस ये कहता है VS1 हो गया, अब आपका VS2 बनना चाहिए 1.4। देखिए यहाँ पर बनेगा इस कॉइल पे, ये देखो 1.4 देख रहा है ये। और उसके सीक्वेंस में और भी कई लाइनें ऐड है, पर हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं है उसको चेक करना, ये भी हम चेक करेंगे तो हमारे लिए काम हो जाएगा। ये BA12, BA12 मीडिया टेक के हर फोन में नहीं आता, ये कुछ खास फोनों में आता है, पर उनको देखने का तरीका होता है। ये दो इनपुट आउटपुट हैं, ठीक है। अरे BA12 नहीं है, ये तो बड़ी आईसी है भाई, BA12। ये है BA12 नीचे। ओहो BA12 इधर गई हो तुम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ BA12 किधर है, ये देखो BA12 इधर छुपी हुई है, इधर इधर है, बिल्कुल जैसी लग रही थी, ये है BA12। तो चलो, तो प्रॉब्लम का सलूशन ये है जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, और आई होप कि आपको ये वीडियो इसी चीज़ के लिए लाए हैं। तो अभी इसका सीपीयू, और इसका सीपीयू चेंज होगा तो इसका डाटा जाएगा, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के लिए। फिर हमें इसका डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे इसकी आईडी चाहिए, और इसका बिल विल चाहिए, और प्रॉपर एक वीडियो चाहिए कि भाई का ही मोबाइल है ये करके, तभी इसका सिक्योरिटी डलेगा ये करके, नहीं तो फिर ये नहीं बनेगा, रिटर्न होगा। देखो कोई भी सेट हो, नेटवर्क का हो या अपनी सिम मत डालो, खुद से रिपेयर मत करो, IMEI इलीगल है। रही बात इसकी, तो इस सेट के अंदर सब कुछ ओके है, प्रॉब्लम इनके सीपीयू में है, भाईजान ने सीपीयू खराब कर दिया है, और उसको सीपीयू, अब वो सीपीयू को रिवोल्व कर करके परेशान हो गए हैं, ये सीपीयू वाले टेक्नीशियन बन गए हैं। तो ये टेक्नीशियन पहले थे जो सीसी वाले थे, ये सीपीयू वाले हैं, ये इसके, ये अब ये फंस गए हैं, एक लूप लाइन में फंस गए हैं। इन्होंने सिर्फ सीपीयू निकालना लगाना तो सीख लिया है, पर इन्होंने बोर्ड का काम नहीं सीखा है। खैर इनकी गलती नहीं है, तो ये गलती आप लोग भी मत करना, ठीक है। ये गलती आप लोग भी मत करना, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। एशिया टेलीकॉम अभी लास्ट 3 डे का एक बड़ा ऑफर लेकर आया है, ये ऑफर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को बंद करूँगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। एक अच्छा सलूशन आपको दे रहा है, दिया मैंने ये 3 ऑफर लास्ट 3 डे, ये और ये ऑफर सिर्फ इसी बैच के लिए 25 28 जून, मतलब जो हमारा 28 तारीख को, इस महीने की 28 तारीख को जो जो आएगा उस बैच के लिए। इसमें सबसे पहले तो 10,000 फीस डिस्काउंट है, ठीक है, वो डिस्काउंट नहीं है, वो आपको कैसे क्या, आपको फिलहाल तो नहीं देनी है, पर आपको कब देनी है ये हम आपको कॉल पे बताएंगे। आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, 7000737192,
प्लस मेरा आईफोन का कोर्स और 5G एंड्रॉयड अपडेटेड ये कोर्स भी आपको मिलेगा। कब मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर है, क्योंकि अगले महीने हमारी फीस सेम हो जाएगी, इवन फीस बढ़ेगी हमारी, और हमने सिर्फ ये 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हमने ये ऑफर रखा हुआ है, और 3 दिन के बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो अब भी लिमिटेड सीट, सिर्फ 20 बच्चों को पढ़ाना है, और अगर आपको पढ़ना है तो आप अभी कॉल कर सकते हैं और अभी अपना एडमिशन करा के इसी महीने को आपको 25 तारीख तक जबलपुर पहुंचना है, 26 तारीख तक, 27 तारीख तक। तो ये आप पहुंच जाना, बट आपको एमडी सर को कॉल करके आप आ जाइए, और गारंटी, कोई इंस्टीट्यूट आपको गारंटी नहीं देगा कि आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे, कि आपको बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर एसआई टेलीकॉम एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट है, वो कल परसों खुला नहीं है, ना ही उनको यहाँ हमको सिर्फ आईसी निकालना लगाना या स्कीमेटिक रीड करना, नहीं, हमको स्टूडेंट को साथ में लेके चलना आता है। तो ये एक्सपीरियंस हमारा है और ये हम आपको देंगे, और आपको हम आईफोन का भी काम फ्री में देंगे, एंड्रॉयड भी देंगे, आप कंप्लीट यहाँ पे। और एक फीस, कोई ऐसा नहीं कि रहना अलग खाना अलग, आपको वर्किंग बोर्ड भी हम देंगे, डुअल डेकर का हो या आपके सीपीयू, और तीसरे दिन में आप लाइव पावर, और चौथे दिन में सीपीयू करोगे, और चौथे दिन बाद पूरे हार्डवेयर तक, हार्डवेयर सेक्शन जब तक चलेगा, डेली रात में आप सीपीयू करोगे, ईएमएमसी करोगे, पावर करोगे, और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपकी हैंड स्किल इतनी जबरदस्त करवा दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। सो ये आप लास्ट 3 डे स्पेशल ऑफर फॉर एनीवन इन इंडिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।